हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनजी एंजल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आज का वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो रिव्यू वीडियो नहीं है। आज मैं आपके सामने मीशो से हुआ मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो हुआ एक्चुअली ऐसा था कि मैंने मीशो से एक कुर्ता प्लाजो सेट ऑर्डर करा था, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। अंडर 500 रुपीज़ मुझे मिल गया था। उसका इमेज मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी कि मैंने एक्चुअल में क्या ऑर्डर किया था। तो वो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था और कस्टमर्स के उसमें कमेंट भी थे, बहुत सारे लोगों के रिव्यू थे जिनको अच्छा प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। तो मैंने सोचा मुझे भी ये इसका रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको कुर्ता पैंट सेट का सेट मिल रहा है, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सबसे अच्छा ये था कि वो पूरा आपका ए लाइन, मतलब फ्लेयर वाला जो कुर्ता रहता है पूरा, वो था अनारकली टाइप में, एंड उसके नीचे प्लाजो था, तो उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इस वजह से मैंने उसे ऑर्डर करा था। बट हुआ क्या कि वो मुझे सेम प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ, मुझे ये एक्चुअल में ये कलर रिसीव हो गया था। उसमें और कलर ऑप्शन भी थे, तो मुझे ये कलर रिसीव हुआ था उसमें। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, इसका मैं आपके सामने रिव्यू भी लेकर आ चुकी हूँ। क्वालिटी वाइज कुर्ता बहुत अच्छा है, बट मैंने येलो ऑर्डर करा था और मुझे ये रिसीव हुआ। चलिए, कलर चेंज हुआ वो कोई बात नहीं, बट इसके साथ में मुझे पैंट भी रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मुझे कुर्ता रिसीव हुआ। कुर्ते की क्वालिटी अच्छी है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये पहनने पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सोचा जब इसके साथ पैंट रिसीव नहीं हुई है, अगर मुझे पूरा सेट रिसीव होता तो मैं रख भी लेती, पैंट भी रिसीव नहीं हुई तो मैंने सोचा इसे रिटर्न डाल देते हैं, रिटर्न डाल के रिफंड ले लेंगे। मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई करा, वहाँ से एग्जीक्यूटिव आया पिक करने के लिए पार्सल। तो जब वो पार्सल पिक करने लग गया तो उसके सामने इमेज आ रही थी येलो वाली, तो और इसका कलर था क्रीम कलर या वाइट कलर आप बोल सकते हैं। तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि जो स्क्रीन पे इमेज आ रही है वही प्रोडक्ट मैं पिक करूँगा, ये प्रोडक्ट उसके सिमिलर नहीं है तो ये प्रोडक्ट मैं नहीं लूँगा। अभी मैं आपके लिए रिटर्न पॉलिसी कैंसिल कर रहा हूँ, आप वापस से रिटर्न डालिएगा और उसमें बताइएगा कि मुझे कलर डिफरेंट रिसीव हुआ है। तो मैंने बोला मैंने वही डाला है, तो बोला नहीं लेकिन इमेज तो मुझे शो हो रही है, आप वापस से डालिएगा। मैंने कहा ठीक है। उसने एग्जीक्यूटिव ने रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करी, मैं वापस से मैंने अप्लाई करा और उसने जैसा बोला था कि मुझे प्रोडक्ट सेम है बट डिफरेंट कलर रिसीव हुआ है, मैंने वही ऑप्शन चूज़ करा और वापस से रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस करी। वापस से एग्जीक्यूटिव आया एंड सेम प्रॉब्लम, वो भी मुझे यही बोल रहा है कि मैम इसमें तो येलो कुर्ता सेट पेंट दिख रहा है, बट आपने तो ये वाला कलर है, कलर डिफरेंट है, मैं पिक नहीं कर सकता, क्योंकि हमें आगे जवाब देना पड़ता है और अगर हम गलत प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं तो हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है वो अमाउंट, तो मैं ये पिक नहीं करूँगा, आप तो ना डिफरेंट कलर ऑप्शन का उसमें वो डालिए। मैंने कहा मैंने वही डाला है, वो बोला आप वापस से डालिए, वो भी रिजेक्ट करा उसने और वो चला गया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने उस एग्जीक्यूटिव को ये भी बता दिया था कि इसके साथ मेरे को पैंट भी रिसीव नहीं हुआ है, तो उसने बोला आप मिसमैच प्रोडक्ट का डालिए कि इनकम्प्लीट प्रोडक्ट का, सॉरी कि पार्सल इज रिसीव्ड और कुछ पार्ट उसका रिसीव नहीं हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैंने वो रिक्वेस्ट डाली, फिर एग्जीक्यूटिव आया, सेम प्रॉब्लम, उसके साथ यही फोटो आ रहा था। फिर उसने मुझे बोला कि आप कस्टमर केयर को फ़ोन करिए, कस्टमर केयर आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी आपकी। मैंने कहा ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम कस्टमर केयर को कॉल किया, अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट रिसीव हो गया है, मैंने येलो ऑर्डर करा था बट मुझे ये कलर रिसीव हुआ है और इसके साथ में पैंट भी रिसीव नहीं हुआ है, तो इसकी आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालिए और उसमें इमेज शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमेज के कारण ही वो लोग प्रोडक्ट नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इमेज में जो प्रोडक्ट है वो येलो कलर का शो हो रहा है और मुझे क्रीम कलर का मिला है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मुझे बोला ठीक है, हम हमारी साइड से आपकी रिक्वेस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस कर देते हैं। उन्होंने डाला, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैटर मेरा रिजॉल्व हो जाएगा। बट सेम एग्जीक्यूटिव आया, उसको वही येलो इमेज दिख रही है, वो वापस रिजेक्ट करके चला गया। मैंने फिर कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैम, आपका ये मैटर हम रिजॉल्व कर देंगे। उन्होंने सेम मुझसे प्रॉमिस किया कि अब इमेज शो नहीं होगी और आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। फिर एग्जीक्यूटिव आया और फिर से रिटर्न वो नहीं लेके गया, क्योंकि उसे वापस से वो इमेज शो हो रही थी।
मतलब मैंने इस प्रोडक्ट का रिटर्न 5 to 6 times प्लेस करा होगा, प्लस मैंने इसमें कस्टमर केयर की हेल्प भी ली कि मेरे से नहीं हो रहा है तो वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, बट आप मानेंगे नहीं, वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व ही नहीं हुई और अल्टीमेटली उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपका रिटर्न रिक्वेस्ट का टाइम ख़त्म हो गया है, अब ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। उसके बाद भी मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया और वापस से प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए मैंने बोला उनको, और सेम प्रॉब्लम, वो जो इमेज था वो येल्लो ही दिखा रहा था और मेरे को क्रीम प्रोडक्ट रिसीव हुआ था क्रीम कलर में, तो वो एग्जीक्यूटिव ले जाने के लिए ही तैयार नहीं था। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैम अगर मैं ये लेके गया तो ये प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं होगा और इस प्रोडक्ट का अमाउंट हमारी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतने ज़्यादा बार ट्राई कर लिया, 7 to 8 times मतलब हो गया था ऑलमोस्ट, मैंने सोचा चलिए ठीक है रहने दीजिए, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, मेरा तो नुकसान हो गया है, मैं सामने वाले का नुकसान क्यों करूं। अल्टीमेटली ये हुआ कि ये प्रोडक्ट मेरा रिटर्न ही नहीं हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी ज़्यादा कोशिशें करने के बाद में, अगर इसके साथ मुझे पेंट भी रिसीव होता तो मैं सोचती कि चलिए पूरा प्रोडक्ट अच्छा है रख लेते हैं, बट ना मुझे पेंट रिसीव हुई, कलर डिफरेंट रिसीव हुआ, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ और वो रिटर्न भी नहीं हुआ इतनी कोशिशें करने के बाद में। तो कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं आपके साथ में, तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कलर डिफरेंट आपके पास में आ जाता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, इसलिए मैंने आपके साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर करा है। तो आप फर्स्ट टाइम में जब भी रिटर्न करने जाएं तो या तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से फर्स्ट टाइम में बात कर लें या उनके सीनियर किसी एम्प्लॉय से बात करें, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व जल्दी हो जाए। मेरी तरह आपको बार बार रिटर्न का या रिटर्न के लिए बोलकर उन्होंने मुझे इतनी सहानुभूति दी कि आपका हो जाएगा प्रोडक्ट रिसीव रिटर्न, बट कुछ भी नहीं हुआ, प्रोडक्ट मेरे पास में है, मैंने आपको दिखा दिया। तो ये थोड़ा सा मेरे ये साथ में बैड एक्सपीरियंस रहा, मतलब मैं मीशो से मतलब ऑलमोस्ट रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे रिव्यू करना पड़ता है, ये मेरा काम है, तो डेली बेसिस पे मेरे पार्सल रहते हैं, पार्सल वाले भैया लोग भी पहचानने लगे हैं मुझे, बट रिटर्न पॉलिसी के साथ में ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था मीशो के साथ में, ये सबसे ज़्यादा ख़राब रहा कि पैसे भी गए, प्रोडक्ट भी इनकम्प्लीट रिसीव हुआ, प्लस डिफरेंट कलर रिसीव हुआ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना तो बनता है, तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। बस आप आगे से थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि जो मेरे साथ हुआ वैसा आपके साथ भी हो या किसी के साथ भी हो, बट ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ये था मेरा बैड एक्सपीरियंस मीशो के साथ में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, एंड मैंने मेरे चैनल पे बहुत ह्यूज गिव अवे रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के रूल्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। और मेरी दो ट्विंस बेटियाँ हैं, उनका इंस्टा हैंडल भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उन्हें भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।